हेलो साथियों, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, बात करते हैं टीए आर्मी रैली भर्ती की। तो आजकल क्या है, काफ़ी जो ये यूट्यूबर हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल है, मैं भी वीडियो देखते रहता हूं, तो उस पर ये लगातार आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि टीए की भर्ती आ गई, अभी सच मानना, भर्ती आ गई है। और मतलब ऐसे बोल बोल के और ताली बजा बजा के उस वीडियो को लंबा 6, 8, 8, 9 मिनट का ये खींच रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि अभी ना तो कोई आर्मी भर्ती है फिलहाल और ना ही कोई टीए भर्ती है। आर्मी भर्ती के अभी सुर्खियों में है वो अपना वाराणसी वाली, रणवांकरे वाली, लेकिन वो मंडी वाली स्थगित कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई, पता ही आपको। तो उसका भी पोस्टपोन होगा या क्या होगा, अभी तो वो डेट उसकी आई भी नहीं है। और ना ही बच्चों को उसके जो वाराणसी की भर्ती है उसका कोई किसी को कोई एडमिट कार्ड जारी किया गया है, तो वो भी अभी उसी में खतरे में ही है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये टीए भर्ती कोई भी नहीं है। जब नॉर्मल जो है कि जो अपना आर्मी की भर्ती नहीं हो रही, तो टीए भर्ती तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए, ना कहीं आप गुमराह भी ना हुए। तो जब भी टीए की भर्ती आएगी दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, कदम से कदम मिला के आपके साथ चलूंगा। आप सभी मेरा परिवार हो, आपको मैं बहुत मानता हूँ, सारे बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ आप लोगों को कि आप मेरा इतना साथ दे रहे हैं और ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए दोस्तों। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी जैसे कोई भर्ती आएगी तो उसकी सच्ची और सही सटीक खबर मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले उसका वीडियो मैं जरूर डालूंगा आपके लिए, तो आपको भ्रमित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं, एक लेटर और वायरल हो रहा है जो आजकल बोला है ना कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो उसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या हुआ है, जो वहाँ पर महाराष्ट्र में जो सैनिक सोल्जर बोर्ड है उसने पूना के लिए जो मुख्यालय हेडक्वार्टर उसके लिए लिखा है एज के बारे में कि आपके 2 साल का एज था, लेकिन उन्होंने उसका उस चीज़ का जवाब दिया है ना कि उसको उन्होंने लागू किया है। उन्होंने उस लेटर के बारे में यही बोला है कि जो आपने हमको ये बोला है 2 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मंथन हो रही हैं, ये चीज़ें सारी विचार विमर हैं, इन पर जो अपना हाई हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, उसमें ऑलरेडी इस चीज़ पर ये चीज़ विचाराधीन है, ना कि इसको अभी लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये लेटर पता नहीं आजकल कहाँ से वायरल हो जाते हैं। वैसे तो ये फौज की जो चीज़ें हैं ये गलत हैं, कहीं ऐसी चीज़ें वायरल नहीं होनी चाहिए, फौज की सारी चीज़ें ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन इसको वायरल कर देता है और कहाँ से कहाँ ये लोगों के पास में पहुँच जाता है। लेकिन चलो, जब पहुँच ही गया तो इसका स्पष्टीकरण यही है कि अभी तक कोई एज रिलैक्सेशन नहीं बढ़ाया गया है, ये सारी चीज़ें विचार विमर्श हैं, विचाराधीन हैं। तो दोस्तों, आप निराश और हताश बिल्कुल भी ना हों, आप अपनी जो भी प्रैक्टिस है, भाग दौड़ है, पढ़ाई लिखाई है, मुझे पता है आप भी अभी भाग दौड़ करके और प्रैक्टिस कर करके थक गए हो, और बार बार आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि यार अब कहीं भर्ती तो आती नहीं है, अगर आती है तो पोस्टपोन हो जाता है। और जिन बच्चों का फिजिकल या कुछ हो गया है तो उनका जो एग्जाम पेपर है वो भी लगातार पोस्टपोन होता ही जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत जो सरकार है गलत चीज़ कर रही है, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो। कल एक मुझसे बच्चा बोला था कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो दोस्तों आप बिल्कुल डिप्रेशन में भी ना जाएं। कोई अपना कोई खेल खेलें, कोई गेम खेलें बच्चों के साथ में, कोई मूवी देख लें, अच्छा कोई जो आपके गाने हैं वो सुनें, तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जो भी चैनल पर इस भाई बहन या कोई भी कैंडिडेट कोई नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर एकदम बिल्कुल सही और सच्ची और सटीक भरी जानकारी आप लोगों को देता हूँ और देता रहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, किसी चीज़ को आपने पूछना है तो मुझे नहीं पता होगा, तो मैं अपने किसी सीनियर अधिकारियों से या जो मेरे साथी थे फौज में उनसे या कहीं ना कहीं से उस चीज़ का सॉल्यूशन आप लोगों को दोस्तों मैं ज़रूर दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका वो सवाल और डाउट हल हो जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।